तो दोस्तों नमस्कार। हम लोग बगीचा तोड़ने वाले हैं संतरे का। तो हमारा ये पहली बार 4 साल का हो गया और पहली बार ये बगीचा हम तोड़ रहे हैं। छुटपुट आया है तो मैंने कहा कि नहीं, दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए। और कहीं हमने कभी बगीचा बोया नहीं था, पहली बार बोया है तो पहली बार फल आया है संतरे का, तो दिखाना बनता है। तो मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको कि मैं कैसे तोड़ने वाला हूँ। देखिए ये संतरे हैं। और जय गजानंद गणपति महाराज की जय। तो हमने स्टार्ट कर दिया है और थोड़ी हरिंग बजा देते हैं। ये बाजा हम लोग मेले में से लेके आए थे और ये हमने डाल दी संतरा यहाँ पर, बहुत सारे तोड़ लिए। तो वीडियो एंड तक देखना, मैं और भी बहुत अच्छा बनाऊंगा लंबे समय तक, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत मज़ेदार वीडियो है। तो संतरे हमने यहाँ रख दिए पाल पे और अब ऐसे नहीं वो टूट जाएगा डाली। जहाँ ऊँचाई हो वहाँ पर मैं आ रहा हूँ, तुमको तोड़ने की जरूरत नहीं, जो आपके हाथ पोगे वही लो। ये ऊंचाई पे जल्दबाजी कर रहा है, वो पूरा डगाली टूट जाती, शाखाएं टूट जाती तो पूरा पेड़ बिगड़ जाता है। तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं यार, मैं आ रहा हूँ यार, इतनी जल्दी क्यों कर रहा है यार, कोई जल्दी नहीं है, अपने को आराम से तोड़ना है। क्योंकि अभी गाड़ी तो लोड हो रही है वहाँ पर, अंकल जी के वहाँ पर, भाई साहब के वहाँ पर, तो वहाँ पर ले जाएंगे हम यहाँ से उठा के। और हम इसको उनको बता देंगे कि आपको जितने भी भाव में लेना हो ले लीजिए, जो भी मार्केट में वैल्यू है उस हिसाब से हम उनको दे देंगे। लेकिन अभी कम आया है तो इसलिए हम यहाँ गाड़ी नहीं ला सकते। जब अगली बार जब अच्छा आएगा ना घनघोर, तो उसके बाद पूरी गाड़ी यहीं से लोड करवा देंगे हम लोग। तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और देखते रहिएगा, ताकि आपको पूरा एंजॉय मैं दे पाऊँगा दोस्तों बगीचा तोड़ने का। तो एक बार फिर से बाजा बजा देता हूँ। तो अभी तगारे मेरे पास नहीं है, अभी मैं ऐसे ही तोड़ तोड़ के डाल रहा हूँ। वैसे भी ज़्यादा मात्रा में नहीं आया है तो ऐसे तोड़ लेते हैं। हाँ, जब ज़्यादा मात्रा में आएगा तो झोलना कैसे बांधते हैं वो मैं बांध के दिखाऊंगा आपको कि झोलना बांध के कैसे तोड़ते हैं। अभी मैं छुटपुट आया है बगीचा, तो ये हरा हरा था तब से मैं दिखा रहा हूँ आपको, और आप आज जब तोड़ने की बारी आई है तो भी दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो आपको कैसा लग रहा है, देखिए संतरे कैसे लटक रहे, आय हाय हाय हाय, बहुत ज़बरदस्त। तो एक हाथ से मुझे तोड़ना पड़ रहा है। अब मैं ऐसा करूँगा, स्टिक पे लगाऊँगा कैमरा और फिर मैं आपको दिखाऊँ, क्योंकि ऐसे तो मेरा काम हो नहीं पाएगा। अगर मैं ऐसे दिखाता रहूँगा तो तोड़ूँगा कब। फिर भी मैं नीचे की तरफ जहाँ जहाँ भी मुझे दिख रही है मैं तोड़ने की कोशिश करता हूँ और आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि आप भी अपने बगीचे को कैसे तोड़ते हैं। ज़्यादा ऊँचाई वाला झाड़ है, अभी ये पहली बार आ रहा है, छोटे झाड़ है, जब बड़े हो जाएंगे ना वो ला यार छोटा, चलो यार वही डाल देते हैं। जब बड़े हो जाएंगे ना तो फिर सीढ़ी लगानी पड़ेगी, सीढ़ी लगानी पड़ेगी और सीढ़ी पर चढ़ के तोड़ने पड़ेंगे। नीचे कैरेट रखना पड़ेगा, तगारा रखना पड़ेगा, जो भी आपको सुविधाजनक लगे वो रखना पड़ेगा। लेकिन अभी छुटपुटी आया हुआ है तो मैं इसे तोड़ लेता हूँ, ज़्यादा नहीं है। तो आपके पास भी अगर बगीचा है और आप भी तोड़ते हैं तो आप भी आनंद ले सकते हैं। छुटपुट है, ज़्यादा नहीं है। जब ज़्यादा आएगा ना बगीचा तो फिर अब बात ही कुछ अलग होगी, पूरा एकदम से ऐसा दिखेगा पूरा का पूरा। यार ये लाए नहीं यार अब। तो अभी मैं पॉज कर देता हूँ थोड़ा, उसी जगह आगे चलना है। हमारे यहाँ पे कोई भी शुभ काम करने से पहले जो गणपति बप्पा को मनाया जाता है, तो वही मैंने दिखाया आपको कि कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले, प्रारंभ करने से पहले गणपति जी की पूजा की जाती है, याद किया जाता है, ताकि आपका काम जो है शुभ शुभ हो जाए। तो वही मैंने कर दिया है। तो आपको वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करना है, अंत तक देखना है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वीडियो को देखते हुए लाइक ज़रूर मारना है, लाइक के बटन पर, और दोस्तों को शेयर भी करना है और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करना है कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है।
और लाल बटन को ज़रूर दबाना है, सब्सक्राइब के बटन को, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकॉन ऊपर का आएगा उसको भी क्लिक कर देना, ताकि अगला वीडियो में जब अपलोड करूँगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और जो है आप जो है वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे दोस्तों इस चैनल पर। तो ये काम आप बिल्कुल कर लीजिए और वीडियो को इसके बिल्कुल मत कीजिए, आखिरी तक देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, मज़ेदार वीडियो है, मज़ा आ जाएगा आपको देखते देखते और अपने आप को इंजॉयफुल महसूस कर पाएंगे। चलो भरा ले, कतरा कैरेट भरा है, ये ज़्यादा थोड़ी भरा, स्टूडियो को नहीं है, स्टूडियो को नहीं टूट दांगा ना, तो ये तो कर भरो, तो खरी ये तो भरी है, इतनी भरी है दो कैरेट विश, अरे बाबू चार आल तोड़ा कर गोड़ रिया आल सब नहीं टूटे है, दो तीन कैरेट और वेगातर दिया और मैं टोपी वहां की होगी यार, ले मुद्दी कर लूं तू बगले तेरे हां मुद्दी नहीं मालूम, थोड़ा ले आई ऊपर दूर आज मोशन आ रहे, चाचा को भी लेना पड़ेगा यार, बोली किधर जो बोलो ना मैं मन बोलवा ले बक्सल दो नहीं कटे यार, ये आवाज जमी गया यार, बोलो ना मैं मन बोलवा ले बक्सल दो यार, चलो भरा ले, कतरा कैरेट भरा है, ये ज्यादा थोड़ी भरा, स्टूडियो को नहीं है, स्टूडियो को नहीं टूट दांगा ना, तो ये तो कर भरो, तो खरी ये तो भरी है, इतनी भरी है दो कैरेट विश, अरे बाबू चार आल तोड़ा कर गोड़ रिया आल सब नहीं टूटे है, दो तीन कैरेट और वेगातर दिया और मैं टोपी वहां की होगी यार, ले मुद्दी कर लूं तू बगले तेरे हां मुद्दी नहीं मालूम, थोड़ा ले आई ऊपर दूर आज शपटाई को ना ना रे यहां भाई रा अभी कहीं भाई रो ना रे अब्बा की दा के भाई जा बाप के पांच से भी ज्यादा बड़ा के लेट छे पांच तो वही छे तो ले आया यार, दस ले आया, दस वही भी जगह तो रही ना, दस तो टारगेट निकल सके, पहला ये अपनो सही निकली से, ये बलिया नहीं ले चला, ले चला कौन ये भल्ला यार, हां ये बलिया भी लेवा चला, नहीं ले आ सो ले आवा, हां 10 मिनट तोलना नहीं यार, और तो से कतरा चार और ले ले कसम ले ले एक तो थप्पी एक और ले लो, एक और छे बजा यार, छे तीन चार ही सही, ज्यादा मत ले, तो चार ही ले लेते कोई चार मार जाएगा, मार जाएगा और खाल निकलेगा तो वहाँ मिल जाऊंगा, बोले खाल रह जाएगा, पर जैसे मान लो रही जाता हूँ एवरेज है, अभी याद देखो एवरेज है, क्यों था अंकल एवरेज है अभी, चल चल उड़ा 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 पर बड़ा जाए यार, चल हाँ नहीं मैं वहाँ रख के आ जाऊँगा, जहाँ भरोगे ना वहाँ ले आऊँगा, हाँ इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ, पप्पू लाल जी काफी राइडेड मैटर है। तो ये हम ले आए हैं कैरेट, इसको बोलते हैं कैरेट, और गाड़ी हमारी वहाँ लोड हो रही है, उसी में हमको भरना है हमारी संतरे, फिर जाएंगे दिल्ली, फिर बनेगा जूस और फिर पियेंगे हम कोल्ड ड्रिंक्स। चलियो अजी को आ रहे हैं जा, अच्छा लागे, अच्छा लागे बस, दो साल है, हां तीन साल है, तीन साल है, पड़ जाएगा मैं ऊपर जा चल जा को हो जाएगा डर रहा कौन है दो तीन बहुत शानदार आदमी है मनमोहन सिंह जी, बड़े अर्थशास्त्री हैं भाई साहब ने मुझे बताया, जगदीश भाई साहब ने एक दिन एयरपोर्ट पे मिल गए थे, मैंने कहा सर आप अर्थशास्त्री हैं, बोले हाँ, मैंने कहा सर दौड़ दो कितने होते हैं,
बोले यार होते तो चार ही हैं, पर एक बार सोनिया जी से पूछ लेने में क्या हार जाए।